तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम भी ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी मेरी तबीयत सही है, काफ़ी सुधार है। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था, बट कल से काफ़ी मुझे राहत मिली हुई है। तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों कि आप लोगों ने मेरे लिए सब प्रे की, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमारे यहाँ एक लोगों की 13वीं थी। हमारे गांव में ही एक लोग, मतलब बाबा जी हमारे ख़त्म हो गए थे, तो उनकी 13वीं थी आज। तो सभी लोग दावत में गए थे, तो दोस्तों उनकी आज 13वीं थी, तो हम सभी लोग दावत में गए थे। और मैं जस्ट अभी, मतलब दावत खाने के बाद में हम लोग, मैं गई थी अपनी दवा लेने क्योंकि बुखार सही नहीं हुआ था। तो अभी दवा लेके आई हूँ और हस्बैंड चले गए काम पे, तो मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लूँ क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि किस किस के यहाँ 13वीं में पुआ बनते हैं। हमारे यहाँ 13वीं में सभी, मतलब गांव वालों को पुआ खिलाया जाता है। तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आपके यहाँ क्या खिलाया जाता है। हमारे मायके में ऐसा नहीं होता है, बट ससुराल में ऐसा होता है, पुआ होते हैं हमारे यहाँ। तो मैं तो पहले पुआ जानती भी नहीं थी शादी के पहले, बट शादी के बाद अब पता चले पुआ क्या होते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं मुझे अभी भी सर्दी गई नहीं हुई है, और अभी भी मैं, मुझे जुकाम सा हो रखा है बहुत ज़ोर से, और अभी गले में भी खराश सी हो रही है। तो दोस्तों आज मुझे एक चीज़ को बहुत दुख हुआ दोस्तों, मतलब मैं, मुझसे बहुत बढ़िया एक गलती हुई है जिसको मैं शायद, जो हो गया तो उसको तो मैं नहीं सुधार सकती, बट इन फ्यूचर में ऐसी गलती नहीं करूँगी दोस्तों। मतलब कि हम और मम्मी जी दोनों लोग चले गए थे, हमारे यहाँ सिर्फ हम और मम्मी जी, और तो मतलब हमारे यहाँ कोई मेरी छोटी नंद नहीं है, ना ही कोई छोटे देवर हैं। देवर हैं तो वो सब बाहर रहते हैं। तो दोस्तों मतलब हम और मम्मी जी चले गए थे निमंत्रण में, और बेटी को अपने, मतलब मैंने उसके पापा के पास छोड़ दिया था दोस्तों। और आप यकीन नहीं करेंगे, वो इतना रोई इतना रोई आधे घंटे तक दोस्तों, कि मतलब उसकी जान जाते जाते बची, आप लोग समझ सकते हैं। क्योंकि उनसे वो रह नहीं रही थी, घर में कोई था नहीं जिससे वो रख सके। तो इतना रोई दोस्तों, इतना रोई है, हम लोगों को बाद में पता चला। और मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया दोस्तों, उसको चुप कराने की जगह पे उसके और वीडियो बना के डाल रहे थे मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे, उन्होंने डाल भी दिया है। मैंने बाद में मुझे पता चला, तो दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है क्योंकि छोटी सी बच्ची है दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं। कंटिन्यू अगर वो रोती रही आधा घंटे तक, तो उसकी सांस भी अटक सकती थी, उसकी जान भी जा सकती थी। तो ऐसा हुआ, फिर बगल में कुछ लोगों को उसकी आवाज़ सुनाई होगी, तो वो लोग फिर आए और बेटी को लेके गए, जब वो जाके शांत हुई है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। मैं दोस्तों सॉरी दोस्तों, मैं बेटी से सॉरी बोलती हूँ, सॉरी बेटी, मैं कभी आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी अकेले। मेरा मन नहीं हो रहा था जाने, पर माँ ने बोला कि चलो ये रख लेंगे, तो मैं चली गई। बट मैं दोस्तों, मतलब दिल से, मैं कभी भी उसे छोड़ के नहीं जाऊँगी। मेरा सेकेंड चांस है कि मैं उसे अकेले छोड़ के गई हूँ। मतलब दवा लेने जाती हूँ तो मम्मी के पास रह जाती है, मम्मी से रख लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती, मम्मी के पास वो रह जाती है। बट आज हम दोनों लोग ही चले गए, तो ये प्रॉब्लम हो गई दोस्तों मुझे बहुत। मतलब अभी भी मुझे इतना ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है कि मतलब मेरे आँखों से आंसू आ रहे हैं जब मैं सोचती हूँ। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, 3 घंटे तक कंटिन्यू, 3 घंटे तक सो रही थी, फिर वो सिसक रही थी, सिसकियाँ ले रही थी, सोते हुए भी वो सिसकियाँ ले रही थी। इतना ज़्यादा वो रोई है, बहुत ज़्यादा रोई है वो। और क्या मैं बोलूँ दोस्तों, अभी मुझे इतना ज़्यादा उसके लिए बुरा लग रहा है। तो मैंने सोचा क्या करूँ, फिर अब जो हो गया तो दोस्तों उसे तो नहीं सुधार सकते हैं, बट अब आगे से गलती ऐसी ना हो तो वो कोशिश कर सकते हैं कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरा कभी मैं जब तक तो वो छोटी है, मैं उसे अकेले कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ के जाऊँगी। तो दोस्तों आप लोग देखिएगा मेरे लिए कि मैं अभी जो थोड़ा सा बहुत, अभी मैं पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाई हूँ, आप लोग प्रे कीजिएगा कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँगा। और इसीलिए दोस्तों मैं यूट्यूब क्रिएटर कोई वीडियो नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे मेंटली स्टेबल होना पड़ेगा, और मैं अभी मेंटली स्टेबल नहीं हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है माइंड में, मतलब ज़्यादा कोशिश करती हूँ तो फिर सर मेरा घूमने लगता है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि थोड़ा सा कमजोरी भी हो रही है आपको, क्योंकि बस ये फीडिंग करती है इस वजह से थोड़ा आप लोग समझ सकते हैं, कमजोरी दिमाग को आ ही जाती है। बाकी तो सब सही हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप ये आपको आज का हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए हो तो बेल आइकन के साथ में
और दोस्तों मैं अपने चैनल पे अच्छी अच्छी ब्लॉग वीडियो और यूट्यूब रिलेटेड वीडियो लाती रहती हूँ। अभी मैं 3 दिनों से नहीं ला पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, तो इस टाइम पे आपको मेरे ब्लॉग ये देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि मैं कल से यूट्यूब रिलेटेड वीडियो डालना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एडिटिंग भी लगती है और काफ़ी सारा इफेक्ट लगता है दोस्तों, तो इस वजह से मैं नहीं डाल पा रही। बाकी आप लोग दोस्तों मेरे लिए प्रे कीजिएगा कि मैं जल्दी से सही हो जाऊँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।